छोटी फैमिली है मेरी, झोपड़पट्टियों में रहते हैं, कभी किधर कभी किधर, और बस क्रिकेट का शौक़ था। अल्हम्दुलिल्लाह इधर कप्तान रियाज ने खिलाया है, उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और ऐसे ही बस मेरे फैमिली ने मुझे सपोर्ट की है। जूनियर प्रीमियर लीग हो रही है, दुनिया में पहली दफ़ा हो रही है वही पाकिस्तान में, उधर अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नाम आया कैंप में। डिजिटल मैगज़ीन के साथ मैं हूं अनस नवाज़, और मैं इस वक्त मौजूद हूं डेरा गाजी खान में। यहां पे एक ऐसा नौजवान, टैलेंटेड नौजवान मौजूद है जो कि झुग्गियों में भी रहा है, और यहां पे उसने मेहनत की, और ज़करिया क्लब है वहां पे, वो वहां का जो है ना स्टूडेंट भी है, वहां पे खेलता रहता है। तो आज मैं आपसे मिलवाऊँगा उनसे और उसका तारुफ भी करवाऊँगा। सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं क्रिकेटर हूँ, और मुझे शुरू से बचपन से बहुत मेहनत करता रहा हूँ, और शौक़ थी बहुत ज़्यादा खेलने की। पहले टेप बॉल से स्टार्ट की, मेरा अबू भी क्रिकेटर था, पहले टेप बॉल खेलता था, उसको देख के मैंने फिर क्रिकेट स्टार्ट की। फिर गाजी यूनिवर्सिटी में डीजी खान में उधर एकेडमी थी कप्तान रियाज अहमद भुट्टा की, उधर फिर आया, मेरे पास शूज़ नहीं थे, किटें नहीं थी, फिर उसीलिए मैंने कहा कि सर मुझे ना क्रिकेट खेलने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, मैंने कभी क्रिकेट खेली नहीं। टेप बॉल से रबड़ी बॉल से खेलता हूँ, और फिर कप्तान जी ने मुझे शूज़ दिए, किटें दी, फिर मुझे क्रिकेट खिलाई। मोहम्मद शान जो कि ब्रिलियंट फास्ट बॉलर है, वो उस लीग का हिस्सा है, और यहाँ डीजी खान में डीजी खान के लोग और मेरा क्लब बड़ा प्राउड फील कर रहा है, और हम दुआगो हैं कि इंशाल्लाह वो अपना बेस्ट देगा उस लीग में और हमारे लिए मज़ीद इज़्ज़त अफजाई का बेस्ट बनेगा। उन्होंने कहा कि बेटा आप मेहनत करो, हम बाकी कुछ खुद कर लेंगे, किटें देंगे, शूज़ देंगे। फिर मुझे किटें दी, शूज़ दी, फिर मैंने अपनी मेहनत स्टार्ट की, कप्तान रियाज भुट्टा ने मेहनत स्टार्ट की, फिर फैमिली वालों भी सपोर्ट की, फिर अभी मैं अंडर 19 साउथ पंजाब खेल आया हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह उधर अच्छी परफॉर्म हुई है, 20 आउट किए हैं, और अभी जूनियर प्रीमियर लीग हो रही है, दुनिया में पहली दफ़ा हो रही है वही पाकिस्तान में, उधर अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नाम आया कैंप में, उधर बुलाया है, और 6 तारीख को ड्राफ्टिंग है, उधर जाऊँगा इंशाल्लाह कामयाब होंगे, पाकिस्तान के लिए खेलूँगा, पाकिस्तान का नाम रोशन करूँगा, और अपने डीजी खान का नाम रोशन करूँगा।